हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुजलेखा फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिना गैस जलाए मुंह में घुल जाने वाली रबड़ी दार मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाने के लिए आपको मावा, मलाई, क्रीम, कंडेंस मिल्क किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 1 कप दूध से अपने परिवार के लिए आप लाजवाब कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सनफीस्ट का 5 रुपया पैकेट वाला बाउंस बिस्किट लिया है, 4 पैकेट। ये ऑरेंज फ्लेवर का बिस्किट है क्योंकि मैं यहाँ पर ऑरेंज फ्लेवर का कुल्फ़ी बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस फ्लेवर या जो बिस्किट लिया है आप भी वही लें। आपको जिस फ्लेवर का जो भी बिस्किट, मीठा बिस्किट पसंद हो उसे आप ले सकते हैं, या फिर आपके घर पे अगर पड़े हुए बिस्किट हैं, टूटे फूटे नरम पड़े हुए बिस्किट हैं, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस आपको नमकीन बिस्किट नहीं लेना है, वरना आप समझ सकते हैं कुल्फ़ी का टेस्ट कैसा आएगा। तो ये बिस्किट को तोड़ के हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। बिस्किट पहले से ही काफ़ी मीठा है तो यहाँ पे हम 3 चम्मच चीनी डालेंगे। आप चीनी अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर आपको पता ही होगा कि ठंडी चीज़ थोड़ी मीठी अच्छी लगती है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, बिस्किट को हमने बारीक पीस लिया है, पर ध्यान रहे कि इसमें बिस्किट के कोई भी टुकड़े नहीं होने चाहिए। अब इसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर मैंने 15 काजू को 2 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। काजू अच्छे से भीग चुके हैं, इसे हम मिक्सी के छोटे वाले जार में डाल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़े वाले जार का इस्तेमाल किया है तो फिर छोटे वाले जार का क्या काम। तो मैंने यहाँ पे छोटा वाला जार क्यों लिया है, इसका कारण भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, ये एकदम ठंडा दूध है, ये पहले का उबला हुआ दूध है। यहाँ हमें ठंडा दूध का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा दूध हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, काजू को दूध के साथ हमने पीस लिया और आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और स्मूथ सा टेक्सचर आया है। यही रीज़न था फ्रेंड्स कि मैंने काजू को छोटे वाले जार में पीसा है। छोटे वाले जार में पीसेंगे तो इसी तरह एकदम क्रीमी सा इसका टेक्सचर आएगा। बड़ा वाला जार में पीसेंगे ना तो काजू के टुकड़े रह जाएंगे, इस तरह का टेक्सचर नहीं आ पाएगा। कुल्फ़ी को क्रीमी और एकदम रबड़ीदार बनाने के लिए हमने यहाँ पर काजू का पेस्ट इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल सकते हैं इसके बदले। अगर मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो दूध की जो ताज़ी मलाई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जार में थोड़ा सा पेस्ट बच गया था तो उसमें 1 चम्मच दूध डाल के मैंने उसे भी ले लिया है। बर्बाद किस लिए करना है ना। अब ये जो 1 कप दूध था उसे भी हम डाल देते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट कि आपको यहाँ पर ठंडा और गाढ़ा दूध का इस्तेमाल करना है। अगर फुल फैट क्रीम दूध है तो और अच्छी बात है, नहीं है पतला दूध है तो आप पतले दूध को पहले अच्छे से उबाल कर गाढ़ा कर लीजिए, फिर उसे फ्रिज में रख के आप ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद उस दूध को आप कुल्फी बनाने में इस्तेमाल करें। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितना क्रीमी, सिल्की और स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर आपने स्किप करके देखा तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, कितनी मात्रा में चीज़ों को लेना है, कैसे लेना है, ये सब चीज़ें आप स्किप कर जाएंगे, फिर आपकी कुल्फी अच्छी नहीं बन पाएगी। फ्रेंड्स, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। छोटी छोटी सी टिप्स है, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी कुल्फी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे मैंने कुल्फ़ी मोल्ड लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो घर की कोई कटोरी या कप भी ले सकते हैं कुल्फ़ी को जमाने के लिए। सिर्फ कुल्फ़ी का शेप में चेंजेस आएगा लेकिन टेस्ट में कोई चेंज नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक पेपर कप भी लिया था, लेकिन बैटर आप देख सकते हैं एकदम थोड़ा सा ही बचा है। तो कुल्फ़ी मोल्ड को हम पूरी तरीके से फिल कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, 1 कप दूध से हमारी 5 कुल्फी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपके घर में 5 मेंबर है तो आपके पूरे परिवार के लिए कुल्फी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसे हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देते हैं। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप इसे किसी प्लास्टिक सीट या फिर ढक्कन से भी कवर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बीच में छोटा सा कट लगाएंगे चाकू से और इसमें स्टिक डाल देंगे। अब इसे 6 से 7 घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए फ्रीजर में रख देना है, जब तक कि अच्छे से सेट ना हो जाए। और ये देखिए, रात भर के बाद हमने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कुल्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। हल्का सा रब करेंगे और घुमाते हुए इसे हम निकालेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी कुल्फी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं जमे हैं। तो देखा आपने, 1 कप दूध से बिना गैस जलाए, बिना मावा, मलाई, मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क के लाजवाब गाढ़ी रबड़ीदार कुल्फी बनकर तैयार हो गई है।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।